मई 2023 को मणिपुर में हिंसक आग भड़की थी और यह आग इस कदर फैली कि 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त होने को है, लेकिन इस हिंसा की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। इस मामले को लेकर कई सवाल भी उठाए गए कि आखिर मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन है और वहां पर फैली हिंसा को कब रोका जाएगा। इस बीच मणिपुर हिंसा को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातों का जिक्र है शायद जिन्हें आप सुन भी नहीं पाएंगे। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में कुछ महिलाओं के साथ बर्बरता करके उन्हें नग्न घुमाने की बात सामने आई थी। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो शेयर किया गया था, हालांकि आप वो वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि अब उन वीडियोस को हटा दिया गया है। कुछ ऐसे और मामले भी मणिपुर में हुए हैं जिनकी जानकारी शायद आपको अब तक नहीं होगी, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है मणिपुर के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मणिपुर की पुलिस ने कहा कि 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 175 लोग मारे जा चुके हैं, 1118 घायल हुए हैं, 33 अब भी लापता हैं। इसमें कहा गया कि 96 लावारिस शव मुर्दा घरों में लावारिस पड़े हैं। राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा के प्रभाव पर कुछ प्रमुख आंकड़े जारी किए हैं जो सामान्य स्थिति बहाल करने के राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद 4 महीने से अधिक समय से जारी है। आगजनी के कम से कम 5172 मामले सामने आए, इनमें 4786 घर, 386 धार्मिक स्थल जिसमें 254 चर्च और 132 मंदिर शामिल हैं। हिंसा की शुरुआत के बाद से राज्य के शस्त्रागार से 5668 हथियार लूटे गए, इनमें से सुरक्षा बलों ने 1329 को बरामद कर लिया, अन्य 15050 गोला बारूद और 400 बम बरामद किए गए। आंकड़ों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने राज्य में कम से कम 360 अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया है। इन आंकड़ों से आप इस बात का अंदाजा लगा चुके हैं कि 3 मई से अब तक मणिपुर के हालात कैसे हैं। सोचिए, 96 लावारिस शव पड़े हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर है। खासकर महिलाओं की स्थिति क्या है वो बताने के लिए तो जो वीडियो सामने आई थी वही काफी थी, लेकिन अब भी मणिपुर में यह आग शांत नहीं हो रही है। हाल फिलहाल में कुछ और मौतों का जिक्र भी मणिपुर से सामने आया था। इम्फाल चुराचांदपुर सड़क पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले फोगा कचाव इकाई और कांगवई गांवों के बीच लगाए गए बैरिकेड्स भी गुरुवार को हटा दिए गए। बैरिकेड्स पहाड़ियों और घाटी के बीच एक बफर जोन की सीमा के रूप में कार्य करते हैं जो सुरक्षा बलों द्वारा संचालित होते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि मैतई और कुकी समुदायों के लोग पार ना करें और हिंसा में शामिल ना हों। भले ही बैरिकेड्स को हटा लिया गया है, लेकिन ये डर अब भी बरकरार है कि दो समुदाय एक बार फिर से आमने सामने ना आ जाएं, क्योंकि वहां हो रही हत्याओं का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। मणिपुर उच्च न्यायालय ने अब IMF द्वारा दायर एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें राज्य में जातीय हिंसा पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथ्य खोज रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में संघर्ष को देखने वाले किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी द्वारा उक्त रिपोर्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी सहित आदिवासी 40% हैं और वो ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च पूरी तरह से जातीय संघर्ष में तब्दील हो गई जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए। वक्त वक्त पर इस हिंसा का जिम्मेदार कभी मैतेई समुदाय तो कभी कुकी और नागा समुदाय को ठहराया गया है। यहाँ तक कि बाहरी ताकतों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया, लेकिन सवाल ये उठता है क्या वाकई मणिपुर में लगी आग अब शांत हो चुकी है या आने वाले वक्त में हो पाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।